मुझे बुरा तो लग रहा है। यहाँ इनका बैग हो गया है रेडी। एक घंटे लेट है ट्रेन हमारी आज। अब फिर से बोलना। हाँ सामने चलो। हेलो, कैसे हो आप? आई होप सब लोग ठीक होगे, बढ़िया होगे, मस्त होगे और एकदम होली मना के खुशी से झूम रहे होगे। आज है वो दिन, फाइनली आ गया है जहां आज मेरे को और मान्या को घर जाना है उत्तराखंड के लिए और कीर्ति रहेगी यहीं पे। तो हमको बहुत बुरा लग रहा है और अच्छा भी लग रहा है। बुरा इसलिए लग रहा है कि कीर्ति को हम लोग छोड़ के जाएंगे और अच्छा इसलिए लग रहा है कि हम लोग बहुत दिन के बाद घर जा रहे हैं, मैं और मानिया, मतलब मम्मी के पास, मेरी मम्मी के पास, मानिया अपनी दादी के पास। तो ये है मानिया, घर जाने के लिए तैयार है दादी के यहाँ पे। बोले हम लोग कितनी देर में जाएंगे, अभी सो के उठी और थोड़ा गुनगुना पानी पिया है, तो वैसे इसकी तबीयत अब ठीक है। तो कीर्ति को देख लो इसकी हालत। अभी खाली हंस रही है, कल को रो रही थी शाम को। और अभी हम लोग सफाई कर रहे हैं, कीर्ति सफाई कर रही, झाड़ू लगा रही है और बाहर पानी डालेगी। इसका चेहरा देख के उतर गया अभी से। बस माने के सामने मत रोना, माने के सामने मत रोना। तो आज हम लोग जब घर जा रहे हैं गांव के लिए, तो आज कीर्ति ने अपने ऑफिस से छुट्टी ली है हम लोग को भेजने के लिए, क्योंकि पढ़ाई भी करना है, उसका एग्जाम भी आ रहा है और हम लोग घर जा रहे हैं तो उसको खाना बना के भी देना है और हमको छोड़ना भी है, तो इसलिए वो आज उसने छुट्टी ले ली है। तो वैसे हमारी ट्रेन 12 बजे की है, हम लोग 11:30 बजे या 11:15 बजे के टाइम पे निकल जाएंगे। हमारी अभी 5 वेटिंग है, अभी टिकट कन्फर्म नहीं हुई है, तो देखो क्या करते हैं, शायद कन्फर्म हो जाएगी तो ज्यादा अच्छी बात है, देखते हैं क्या करते हैं। अभी तो वेट ही कर सकते हैं, अभी टिकट कंफर्म नहीं हुई है, बस वेटिंग में चल रही है। तो फाइनली हमारी सीट जो थी, चार्ट पेपर हो गया है हमारे टिकट का, और हमारी जब मैंने कराया था तो 77 वेटिंग थी और अभी आरएसी पहुंच गई। अभी आरएसी में 10 सीट नंबर मिला है मेरे को, तो आरएसी का मतलब जानती हो कि मतलब आधी आधी सीट मिलती है किसी और को, तो इसमें और मुझे तो वैसे कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत वैसे यही है कि मानिया है मेरे साथ में, हाफ सीट में मैं उसको रात में कैसे सुलाऊं, क्योंकि अगला वाला बंदा दूसरा पैसेंजर उसको भी सीट चाहिए होती आधी, तो मैं इसको, मेरे को बस ये चिंता कि मानिया को मैं आरएसी में लेके कैसे जाऊंगा। अब देखते हैं, मैनेज करते हैं, वहां पे टीटी सर से बात करेंगे। टीटी सर से बात करने के बाद जैसे भी अगर मिलता है सीट तो हम लोग उसमें एडजस्ट हो जाएंगे। तो फाइनली मैं ना के आ गया हूँ, मैं तो हो गया रेडी, और उसके बाद माने नाने को रहेगी, कीर्ति भी नारी, कीर्ति ना के पूजा पूजा करेगी, उसके बाद नाने को नहलाएगी। और माने ने वैसे नाश्ता कर लिया है और अभी मैं नहीं बचा हूँ, मैंने अभी कुछ नहीं किया है, तो मैं अभी कर लूंगा थोड़ी देर में, क्योंकि टाइम 9:30 बज गए हैं और 11:30-11:30 बजे के तो हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे, कि अभी ज्यादा उसके बाद फिर वहाँ जाने में थोड़ा टाइम लगता है स्टेशन पहुँचने में। नहीं ऐसे लेटी पड़ी है, ऐसे बोल लेना कि क्या था कि पापा के बाद मेरा नंबर होता, मम्मी ने कैसे ना लिया देखो, तो मैं नहीं ऐसे लेट गई कि मेरे को नहीं नहलाया और मम्मी ने पहले ना लिया ना मानिया। अच्छा मैं मम्मा को बोल दूंगा ठीक है कि मम्मी या बाबू को जल्दी नहला दो, मम्मी ने गलत नंबर लगाया। ओके चलो कोई बात नहीं, मम्मी आप सही, मम्मा को डांट दूं? हाँ ठीक है मैं डांट दूंगा। मम्मा बाबू को ही नहीं नहा आया। ओ सॉरी, अभी मम्मा नहा ले, मम्मा पूजा कर ले, देन उसके बाद नहा ले। मतलब मम्मा नहा चुकी है तो मम्मा पूजा कर ले, उसके बाद मम्मा आपको नाई नाई करा देगी ना बेटा। नहीं अरे अब मेरी बारी है। हाँ ठीक है आपकी बारी, अब नहाओ, अब नहाओ। फ्रेंड्स ये लोग अब निकल रहे हैं, मुझे बुरा तो लग रहा है कि ये दोनों जा रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसा है कि बेटू को अब मैं भेज रही हूँ और इनको भी, ये भी जा रहे हैं, फर्स्ट टाइम ऐसा है। तो कोई बात नहीं, इमरजेंसी था, जाना था तो वो तो जाना है। यहाँ इनका बैग हो गया है रेडी और इनको मैंने खाना दे दिया है। चने की सब्जी बनाई है, देन इसमें मैंने भिंडी और ये वाले में मैंने आलू की सब्जी, ये रोटी मैंने पैक करके दे दिया और ये एप्पल, और मान्यू खेल रही है एप्पल से, है ना पुच्चू। ये पूरा खाना रेडी हो गया है इनका और ये खा रहे हैं चने की सब्जी और इनका बैग। तो कैसा लग रहा है पुच्चू पापा? नहीं 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 नहीं, नहीं। पूछो दादी के पास जाना है। हाँ चलो अच्छे से जाना। हाँ बेटा तो अब मानिया और मैं फाइनल रेडी होने जा रहे हैं। मानिया को लग रहा है हेयर में ऑयल, उसके बनेगी इसकी चोटी और वो बिस्किट खा रही है। कीर्ति लगा रही है उसको हेयर में ऑयल। मैं पूरी तरह तैयार हो चुका हूँ, बस मेरे को बस सूज और पहनने हैं। 11:15 हो चुके हैं, क्यों 12 बजे ट्रेन है 12:05 में, तो हम सोच रहे हैं कि जल्दी यहाँ से निकल जाएंगे, क्योंकि मैं अकेला देखने वाला हूँ, मुझे वहाँ पे और कोई नहीं होगा इसको देखने के लिए, तो फटाफट वहाँ जाके पहुँच कर टाइम से पहुँच जाएंगे और फिर टाइम से सारा काम कर लेंगे और पहुँच के वहाँ सीटी भी देख लेंगे। और अब हम थोड़ी देर में जाएंगे दादी के पास ना मानिया। अच्छा आप दोनों मम्मा को याद करोगे क्या? यस करेंगे। नहीं करोगे? मुझे पता है, एंजॉय करेंगे साथ में, बाबू होगी वहाँ पे। मुझे पता, पुच्चू तो नहीं करेगी, वो तो बहुत सारी चिज्जी खाएगी ताऊ की वाली शॉप में, है ना यार।
ना? ये अपने आप जाती है। हाँ अपने आप जाती है। चलो और कहाँ जाऊँ? और कहाँ जाऊँ? और क्या? तो क्या मैं भूख अपनी उंगली खा लूँ? हाँ भूख अपनी उंगली खा लेगी क्या है ना बाबू? आज किसके साथ सोओगे बेटू? डैडी। डैडा के पास नहीं सोओगे? हाँ तो मानी ये रेडी हो गई है, बाहर निकल गया हूँ। दो बैग ले लिए हमने, ट्रॉली बैग और स्काई बैग। कोई बात नहीं, वो दो मिनट में पहुंच जाएगी बेटा। पापा बैग में से चिप्स निकाल देंगे। हाँ बेटा अच्छा ठीक है, विंडो मम्मा खुलवा देगी। हाँ वो विंडो विंडो खुलवा देना। मिल के जा रहे हैं ठीक है, बाय बाय। हम लोग स्टेशन पहुंच गए हैं और अभी हम लोग लिफ्ट का वेट कर रहे हैं क्योंकि लिफ्ट अभी नीचे गई है, बहुत सारे लोग थे। अब दोबारा हम लोग आएंगे तो हम ऊपर जाएंगे। तो फाइनली हमारी ट्रेन आ गई है, हम लोग ट्रेन के सामने खड़े हैं। पूरे डेढ़ घंटे लेट है ट्रेन हमारी आज। तो मानिया बना रही ड्राइंग, इतनी बढ़िया। देखो मानिया ड्राइंग बना रहे ना बेटा, देखो एक बार हाथों बोलो इधर को देख के। कौन कौन बनाया मुझे बताओ ड्राइंग में, कौन कौन है? ये कौन है? ये कौन है? मैं। और ये? मैं। और ये मम्मा। मम्मा इतनी लंबी कैसे हो गई? और ये घर है? हाँ। वाह ये ट्री देखो माने ने बनाया है। मानिया पीछे आ रही है। पहले हम लोग लखनऊ स्टेशन पहुंच गए हैं और ट्रेन पूरी तीन घंटे लेट है। हाँ दवा दवा हो गया, दब गया। तो मानिया ही दवा रही है लिफ्ट के बटन और ऊपर हम लोग जाएंगे, फिर उसका मेट्रो के थ्रू हम लोग जाएंगे कमरे में भी। और एक हमारे ये भैया मिल गए हैं, बरेली में रहते हैं और रहने वाले वैसे छत्तीसगढ़ के हैं ये। तो अभी जा रहे हैं हम लोग मेट्रो स्टेशन के लिए, उसके बाद हम लोग जाएंगे मानिया के मौसी के कमरे में। तो अभी जा रहे हैं हम लोग मेट्रो स्टेशन, वहाँ जाके फिर टिकट लेते। हाँ बेटा हाँ ट्रेन के बाद जाए। तो अभी पहुँचते हैं, सामान मेरा भैया एक बात हो गई, मेरे बैग के ना एक बिल ख़राब हो गई है, तो बड़ी दिक्कत हो रही है इसे खींचने में। अब घर जाके इसको बिल भी सही करानी है। तो मेरे साथ एक कांड हो गया, मेरा बैग मेट्रो में रह गया था। मैंने फिर कंट्रोल रूम में जाकर बात करी है और नेक्स्ट स्टेशन आज आ चुका हूँ। मेरा बैग ना बासंगरा स्टेशन में छोड़ा था और लेकरा स्टेशन में पकड़ लिया, जाकर बात करता हूँ मैं। तो फाइनली मेरा बैग मिल गया है, बहुत सपोर्ट किया यहाँ के कंट्रोल रूम में जो ऑफिसर थे यहाँ पे, वहाँ पे बासनगर के भी और यहाँ के भी बोलते हैं। इसलिए बहुत सारा लिखा पढ़ी करना पड़ता है, मैंने कुछ नहीं किया, बहुत अच्छे सपोर्ट करने वाले यहाँ पे ऑफिसर हैं। और थैंक यू मेरा ये बैग देने के लिए। तो मैं जाता हूँ बासनगर फटाफट, क्योंकि मेरे को फिर बासनगर से फिर वापस फटाफट वहाँ से निकल के फिर घर के लिए भी जानी है, ट्रेन पकड़ना है मेरे को। तो पहले बासनगर में निकलते हैं। तो बासनगर के लिए अब मैं मेट्रो का इंतजार कर रहा हूँ, दो मिनट में आने वाली होगी। और अभी उसके बाद निकल के अभी वहाँ पहुँच के मानो खाना ना भी खिलाना है। तो मैं अभी पहुँचता हूँ थोड़ी देर में अभी। तो मेट्रो में देखो ये बैग, इसका ये बैग ना बैक पैक था, ये रह गया था, इसमें सारा कुछ ये खाने पीने का सामान इसी में थे और डॉक्यूमेंट्स भी इसी में थे। तो अब मैंने वो कर ले लिया है। फाइनली हम लोग माने की मौसी के यहाँ से अब जा रहे हैं अपने घर के लिए, सितारगंज खाटी मांग, वो सितारगंज के लिए। और संग में भतीजा लेने आ गया था, वो पीछे मेरा ट्रॉली बैग लेके आ रहा है और मानी ये खड़े तैयार है, रेडी है जाने के लिए। तो चलते हैं फिर मेट्रो से फिर चार बाग, उसके बाद फिर निकलते हैं घर के लिए। और मेरी ये वाली ट्रेन भी लेट हो गई है, जो मैं जिससे जाऊँ त्रिवेणी एक्सप्रेस, ये कम ये भी तीन घंटे लेट हो गई है। इसका टाइमिंग 8 बजे का था और ये 11 बजे टाइमिंग दिखा रहा है। आप पहले स्टेशन पहुँचते उसके बाद पता चलेगा कि मतलब कितना लेट है ये। तो हम लोग फिर से मेट्रो स्टेशन पहुँच गए हैं चार बाग जाने के लिए। और ये मेरा भतीजा सुमित, इसका भी चैनल है मनोरंजन ट्यूबर के नाम से, सर्च मार के देख लेना या मैं लिंक दे दूंगा अपने चैनल के नीचे।
वैसे मैं कह दूंगा यही मुझे मेरा ही चैनल का लिंक देगा इसके, तो वैसे अच्छे खासे सब्सक्राइबर है। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं चारबाग स्टेशन और बहुत जल्दी भाजी में भाग के आए क्योंकि इसमें टाइमिंग ना जल्दी सो करने लगा था कि हम लोग सोचे कि लेट आएगी और थोड़ी जल्दी आ गए। तो अभी ट्रेन पहुंची तो नहीं है, हम लोग प्लेटफॉर्म में पहुंच गए हैं और देखते हैं कितनी देर में आ रही है, उसके बाद निकलते हैं फिर घर के लिए। तो फाइनली हम लोग ट्रेन में बैठ गए हैं जाने के लिए। हमारी ये बैठी पड़ी है जिसको खाना अंगूर, और अंगूर अभी है बहुत ज़्यादा ठंडे, तो थोड़ी देर में खिलाऊंगा नहीं तो खांसी हो जाती है ना मानिया रहती ना। तो हम ट्रेन में बैठ गए घर के लिए निकल रहे हैं अभी। हम लोग पहुंच गए बरेली सिटी और मानिया के मामा आ रहे हैं मानिया को गुजिया देने और डॉल देने। अब फिर से बोला तो ये आ गया हमारा साले साहब तो ले, और उसकी आ गई डॉल लेके आ गया। और तू कितना लड़की है रे? अरे अभी तभी बीमार हो गए लड़के बहुत हैं। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए अपने खटीमा, अभी शाम के 5:30 बज गए, बहुत लेट हो गई ट्रेन। तो मेरा भतीजा थक गया है क्योंकि बैग की ना पहिया खराब हो गई, व्हील खराब हो गई एक, तो इसको खींच के लेके आ रहा है। और ये मानिया चल 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 मानिया फटाफट, हाँ सामने चलो। तो मैंने मानिया को पैक कर दिया है जैकेट पहना के और ऊपर सिर में कैप लगा के क्योंकि सुमित गया है बाइक लेने के लिए। हम लोग आज भाभी बाइक से जाएंगे, मैंने कहा क्या करें कार लेके बाइक से ही आ जाते हैं, तो बाइक लेने गया है, शायद लेके भी आ गया बाइक। वो आ रहा है सुमित, और उधर देखो सनमा में डूब रहे हैं कितने बढ़िया लग रहे हैं वहाँ पे। तो ये आ गया बाइक लेके। तो हम लेते हैं घर के लिए थोड़ी सी मिठाई और हम आए भैया की दुकान में, कुमार स्वीट के नाम से दुकान है, यहाँ पे आए मिठाई, बहुत बढ़िया मिठाई मिलती है यहाँ पे। तो ये नाना प्रकार की मिठाई बहुत सारी। तो दोस्तों घर में पहुँच चुका हूँ और शाम के 7 बजने वाले हैं, बहुत लेट हो गए हैं। तो ये ब्लॉग यहीं पे ख़त्म कराया होगा तो आपको बताना मेरे को कमेंट करके। तो तब तक मिलते कोई नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।